परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023 आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद, प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। आप लोग सोचते हैं साधु परिसर सहते हैं, 22 परिसर होते हैं, 12 तप होते हैं। सच पूछो, तुम्हारे 22,000 परिसर हैं। सिर्फ नजरिया तुम्हारा एक राग की, एक शहद की बूंद की तरह तुम्हारी हालत है। तुम्हारी जिंदगी को दिन रात के चूहे काट रहे हैं। उम्र तुम नहीं काटते, लोग कहते क्या करें, समय काट रहे हैं। हमने की समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें रफ्तार से काट रहा है, तुम्हें मौत के पास पहुंचा रहा है। तुम समय क्या काटोगे, तुम पाप काटने आए थे, पाप काटो, समय नहीं काटा जाता है। लोग कहते भगवान इसको दंड देगा, हम बच्चों को गलत चीज सिखाते हैं, ऐसे करेगा भगवान नरक में भेज देगा। मैंने कि भगवान कोई नरक की एजेंट है क्या, नरक का एजेंट है क्या? और तुम लोग भी नरक के एजेंट मत बना करो। जरा सी बात होगी, ये व्रत टूट गया, ये व्रत गल गया। हमने कि बर्फ है क्या गल गया? ठीक है, प्रायश्चित। कोई कल बात चल रही थी, 5 नहीं है तो 5 नहीं हुई, 3 हुई, 4 हुई। हमने कि अरे उद्यापन करो, हर साल शक्ति हो तो लेना, व्रत उद्यापन कर दो। कोई हमसे पूछता है माता जी 14 कैसे करें, हम कहते हैं आपको जैसे शक्ति लगे वैसे करो। कभी महिलाओं की कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जो नहीं उपवास कर सकते हैं, जब ठीक हो जाए तो एक उपवास ज़्यादा कर लो, अभी हो सके एकासन से कर लो, क्योंकि जैसी शक्ति हो वैसा कर लो। हमने धर्म को इतना कठोर बना दिया कि लोग भागने लगे। जो बच्चे हमारे एक टाइम नहीं खा सकते हैं, उन्हें आप निर्जल करने का कहेंगे, अगले बार वो करेंगे नहीं। उनसे कहो कोई बात नहीं बेटा, उपवास नहीं कर सकते, एकासना करो, तुम कम से कम पूजा तो करोगे, जाप तो करोगे, तुम्हें याद तो रहेंगे, संस्कार तो पढ़ेंगे, इसलिए आपको समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। हम ये नहीं करें, हम लोग चौधरी बन जाते हैं, हम दूसरों की गलतियों में जज बन जाते हैं और खुद की गलतियों में वकील बन जाते हैं। अपनी बड़ी से बड़ी गलती को छोटा बताते हैं, दूसरों की छोटी सी गलती पे न्याय देने बैठ जाते हैं। हमें खुद तो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, और दूसरों के लिए बहुत बड़े बड़े न्याय देने बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे कहा कि आप लोग भी परिसर सहते हो क्या, गर्मी का, भूख का, प्यास का, आप भी व्रत करते हो, लेकिन वो व्रत नहीं है, वो आवृत्ति जो है, कहते हैं आवृत्ति है मिथ्या दृष्टि जीवे, वो कसायों के वसीभूत होकर, ये कहना चाहिए तकलीफें सहता है। अनशन उनदर व्रत परिसंख्या रस परित्याग विविक्त सयासन और काय क्लेश, ये सब वाय तप हैं, आप कर लेते हो, अनशन भी कर लेते हो। कुछ पूछना है? हाँ, तो देखिए आपको बता दें, अनशन उनोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन, जितना तुम गुस्से में क्रोध में जिद में आकर कर लेती हो, इतना यदि आत्मथान के लिए इस भाव से करो। उपवास करना भूखे रहना उपवास नहीं है, लेकिन भक्ति में इतने लीन हो जाना कि खाने का ख्याल नहीं आना, ये उपवास। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष में 11 वर्ष के करीब उपवास किए, लेकिन वो हमारी और आपकी तरह नहीं किए कि एक दिन ऊनोदर किया तो दूसरे दिन दूनोदर कर लिया। गांधी जी ने कहा कि लोगों पे खाना नहीं है, इसलिए वर्धा में उन्होंने आश्रम में कहा कि सब लोग एक टाइम खाएंगे। जो 25 किलो आटा लगता था उस दिन 40 किलो आटा लगा, समझ गए, एक टाइम में, क्योंकि सबने ठूस ठूस के इतना खाया कि बस पूछो नहीं। तो माता जी कह रही हैं कि भी कोई चीज़ तो फेमस होगी, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप त्याग कर दो, लेकिन कम से कम ये संकल्प रखो कि परमात्मा ये व्रत हमारे हमेशा चलते रहे। आपको पता है तपने के बाद सोना कंगन हो जाता है, सोना तपने के बाद कुछ खोता नहीं है, जो शुद्ध स्वरूप है वो पाता है। लोग कहते हैं सोना जलता है, सोना नहीं जलता है, जो कीट कालमा है वो जलती है,
जिसने सोना को सोना नहीं होने दिया वो जलता है, सोना नहीं जलता। इसी प्रकार से धान पकता है, धूप में तपता है, तब आपको गेहूं के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति ने कहा, परमात्मा तुझे भी खेती करना नहीं आती है, कम से कम एक साल मेरे भरोसे छोड़। कभी पानी हो जाता है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी धूप पड़ती है, एक बार देख मेरे हिसाब पर छोड़। ऐसा होता नहीं, लेकिन कहा मतलब कपोल कल्पना है कि एक बार उसके अनुसार खेती हुई, खूब उसने समय पर बारिश की, समय पर गर्मी ना पड़े इसलिए धूप ही नहीं होने दी। जब देखा तो एक भी गेहूं पका ही नहीं था, कच्चा सड़ भुस गया था, क्योंकि धूप भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए और गर्मी बरसात सब कुछ चाहिए। जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघ ते कोने का, जो समय पर बारिश ना हो तो वर्षा से कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने समय पर सच पूछो, जो अनशन कर लेते हो। तुम लोग कभी कभी झगड़ा में खाना छोड़ देते हो, पूरे पूरे दिन नहीं खाते हो, एक लंगन हो सकती है, खाना छोड़ना हो सकता है, लेकिन तपस्या नहीं हो सकती है। उपवास का अर्थ है अपने अंदर वास करना, क्योंकि कहा है पाप प्रणाली का अभ्योवृत्ति सज्ञस्य ज्ञान चरितम्। पाप प्रणालों को रोक देना, व्रत का मतलब क्या है, पाप के रास्ते को रोक देना। व्रत संयम और समिति पूर्वक जीवन को बिताना। व्रती कोई उदास नहीं होता, मायूस नहीं होता है, उसके जीवन में सही उल्लास होता है कि अब मैंने कोई रास्ता पाया है जिस रास्ते पर चलकर सुख और शांति दोनों मिलती है। रास्ते पर, भोग के रास्ते पर सुविधा तो मिलती है, न सुख मिलता है न शांति मिलती है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही। तो आप अनशन भी करते हो, उनोदर 19-29 कुछ कम, तो ध्यान रखना आप कभी कभी पेपर का टाइम हो, बच्चे थोड़ा सा खा कर चले जाते हैं, कभी कभी कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए तो पति जितना खाता उतना खा के चला जाता है। कभी कभी व्यापार बहुत चल रहा हो तो नाश्ता सामने रखा हो फिर भी खाने का मौका नहीं मिलता है। तो उनोदर व्रत परिसंख्यान, आज ये चीज आएगी तो मैं खुश रहूँगी। आप कभी कभी जिद कर लेते हैं, दो दिन से कह रही आज तो आना ही चाहिए, नहीं आई तो मैं ना खाना बनाऊँगी ना खिलाऊँगी। क्या है व्रत पर, आपने अपने राग के लिए कुछ जिद की है, यही नियम हो जाए। जैसा कि सेठ ने नियम लिया था कि वास्तव में जब तक तेल है दीपक में तब तक मैं सामयिक नहीं छोड़ूंगा। पत्नी को पता नहीं था, गर्मी के दिन थे और प्यास की वेदना हुई, लेकिन सामयिक नहीं छोड़ी, इसलिए बावड़ी में मेंढक हो गया। तुम लोग यदि इतने शुद्ध भाव नहीं हो तो मेंढक तंग नहीं हो पाओगी, समझो क्या होगी। हमें और आपको भी चाहिए कि उनोदर व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। तुम्हें सुगर हो जाए तो चीनी छोड़ देती हो कि नहीं, लेकिन मंगलवार को वैसे मीठा नहीं छोड़ोगी। यदि बीपी है तो नमक छोड़ देते हो ना, यदि और कई चीज भी हो, कोलेस्ट्रॉल आदि हो तो क्या करते, घी छोड़ देते हो। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा तुम्हारे शरीर का संतुलन बना रहेगा, एक बीमारी भी नहीं होगी। छह रस का थोड़ा थोड़ा कभी कभी त्याग कर लिया करो। ये त्याग इसलिए करोगे कि परमात्मा संलीकना के समय विपरीत परिस्थितियां आए तो भी मैं समता से जी सकूं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अपनी इंद्रियों को बेलगाम घोड़े की तरह ना दौड़ने दूं, तो आपका संयम हो जाएगा, आपका तप हो जाएगा। विभिक्त सैयासन, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, बच्चे पेपर के दिनों में टेबल पर ही सो लेते हैं, एक करवट जरा सी झपकी ले लेते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य अहिंसा का नहीं है। हमारे साधु तो इसलिए एक करवट पिछली रेन में ओवर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या बात है, उस रात में जहाँ भोगी भोग के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, वही संत आत्म उपलब्धि के लिए जागता है।
तीनों के उद्देश्य में अंतर है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से विविक्त सही आसन भी आप लोग, यानी सो तो लेते हो थोड़ी बहुत, कभी एक करवट से एक बार झपकी ले लेते हो, और कभी नोट गिनना हो, अच्छी कमाई हो रही हो तो नींद नहीं आती। महिलाओं को पियर वाले आ जाएं और खाना बना रही हो तो नींद नहीं आती, पियर वालों का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती, ठीक है ना। लेकिन आप काय कलीस भी सहते हो, गर्मी के दिन और धूप आ रही हो तो भी दुकान बंद कर कर घर में आकर एसी में नहीं पड़ते हो, ठंड हो बरसात हो तो भी दुकान जाते हो, क्योंकि वहाँ अर्थ लाभ है। अरे यहाँ तो परमार्थ लाभ है। यदि आपने आत्मा की दृष्टि से व्रत कर लिए तो आपको ये लाभ नहीं है, परमार्थ लाभ, मोक्ष का लाभ है। इससे बड़ा लाभ दुनिया में कुछ नहीं होता। प्रायश्चित विनय भैया वृत्ति स्वाध्याय विस्तर और ध्यान, ये सब अंतरंग तप है। आज तक आपने प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप किया है। आप सोचते हमने आलोचना पाठ पढ़ लिया, अरे वो कोई स्याही सोखे नहीं है, वो कोई रबड़ नहीं है कि आपकी गलतियों को मिटा दे। तुम आलोचना पाठ पूजन कर लो, बोले सब निपट गया, अब तो पाप से निवृत्त हो गए। अरे तोता जैसी राम राम पढ़ने से कभी प्रायश्चित होता है क्या? प्रायश्चित है आत्मशोधन, आत्मा का पूर्ण परिणमन कर देना, आत्मभावों का परिणमन कर देना। तुम पश्चाताप कर लेते हो, तुम कहते हो ना कि मैंने गुस्सा किया, कितनी बार पछता लेते हो, फिर वही काम कर लेते हो। अभी भी यही है, तुम आलोचना पाठ पढ़ लोगे, 10 दिन में 10 धर्म की पूजा कर लोगे, 11वें दिन वही के वो जाओगे जो थे, बदलाव कुछ नहीं आएगा। और अभी कोई कुछ बात कह तो दे, फिर कह निकल मंदिर के बाहर बताऊंगी तुझे, क्योंकि अपने अंदर पश्चाताप हो लेता है। प्रायश्चित दूसरों की गलती नहीं देखता है, प्रायश्चित कर्म पर नहीं देता है, कर्ता की गलतियां देखता है। तुम्हारे दुख का कारण यही है, तुम अपने आप को कर्ता मान बैठे, मैंने इसका इतना किया, किसने मेरा कुछ नहीं किया। अरे सोचा करो, मेरा कर्म मैंने किया, उसका कर्म वो जाने, हमसे क्यों अपेक्षा रखे। आप सबको जीवन का सूत्र है, मूल मंत्र है, बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना, क्योंकि अपेक्षाएं उपेक्षा में बदलेंगी। अपनी जिंदगी को याद करो, तुम्हारे पति ने भी परिवार से तोड़कर तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे बच्चे और ज्यादा साथ देंगे, क्योंकि अब सर्पणी काल गए, दिन पर दिन बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, शक्ति घटेगी, प्रेम घटेगा, अग्नि घटेगी, जल घटेगा, सब कुछ घटेगा। तो प्रेम भी घट गया तो क्या बड़ी बात है। अपने माइंड को अभी से इतना सेट रखो कि कुछ भी घटे मुझे संकलेश नहीं करना, मैं तो सोचूंगी कि घर में संत हो गई, घर में रहते हुए घर से विरक्त होकर संतों की तरह रह रही हूँ, मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं, मेरे मरने के बाद भी ये लोग सब करेंगे जो दिखेगा, मैं ऐसे हूँ, पूछ ले तो बता दो, नहीं पूछे तो और राजी। क्यों? क्योंकि हम इनकी आरंभ परिग्रह में क्यों साथ दें इनका, इसका पाप बंध हमें भोगना पड़ेगा। ऐसी विरक्ति आ जाए तो प्रायश्चित विनय, अभी कोई अफसर आ जाए तो 5 लाख 10 लाख देते भी हो, मिठाई का डिब्बा भी देते हो, जी सर बताइए सर कब मिलना होगा, ऐसे घूमते हो जैसे उसने चपरासी तुम्हें बना दिया। और मंदिर में 10 का नोट डालोगे तो खूब ठोकते हो ताकि दुनिया देख ले कि तुम नोट डाल रहा। मंदिर में साधु संतों से भी सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। माता जी महाराज जी कभी मिल जाएं तो, अभी तो तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, वरना कई बार हमने देखा गिरगिट की तरह गर्दन घूमेगी, तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मंदिर में तुम बच्चों को नमस्कार करना नहीं सिखाते हो, क्योंकि बच्चों को आपने कुछ नहीं सिखाया, बच्चों को पूजा करना सिखाओ। बच्चों को घर पर बैठकर भी 10-5 मिनट दादी ने क्या बोला, चाची क्या कह रही थी, पापा क्या कह रहे थे, सब चुगली उगली की आदत मत सिखा, उससे बोलो बेटा भगवान की पूजा कैसे होती है। हम लोग यही सिखाते,
भगवान ने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, अरे जो छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। हम पानी की तरह नजर रखें, हम भिखारियों की तरह छोड़ने छोड़ने क्यों देखते हैं। उन्होंने छोड़ा वो कुछ नहीं था, जो पाया वो बहुत कुछ था, जो पाया वही हमें पाना गए। तो हम भगवान से लोक विनय देव सास गुरु की विनय सिखाए। हमने कहा जिनवाणी फट जाती है तो तुम जिनवाणी को दूसरी ले आओ दूसरी। अरे क्यों ले आओ, तुम्हारी उंगली कट जाए तो तुम क्या करती हो, दूसरी उंगली जुड़वाती हो कि उस पर पट्टी करके जोड़ती हो, उसको ठीक करती हो ना। इसी प्रकार से कभी एक जिनवाणी का पेज फटा हो उसे तुरंत यहीं पर रखो सामान और तुरंत उसे ठीक करके जाओ। कभी अपनी असावधानी से लौंग मत लगा दो, कागज मत लगा दो, चावल मत रहने दो, वरना तुम्हारी उंगली के बीच यदि पेंसिल लगा के बांध दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोच कर देखो। जिनवाणी लाकर ढेर मत लगाओ मंदिर में, अरे कंठस्थ कराओ, जिनवाणी की विनय सिखाओ। जब भी होते बोले मेरी तरफ से 25 मंगा लियो, ऊपर भरी पड़ी हैं अलमारियाँ, क्या करोगे। इन्हें कंठस्थ कराओ, बच्चों को ऐसी योजनाएं बनाओ। लोग कहते माता जी बच्चे नहीं भेजते लोग, हमने कही समाज को उन्हीं बच्चों का सम्मान करना चाहिए जो साल भर जिनेंद्र देव की विनय करना सीखते हैं, मंदिरों में आते हैं। क्योंकि अकेले एक दिन फूल माल लेने से कुछ नहीं होता। तो आप लोग विनय सिखाएं, भैया वृत्ति सिखाएं, कुछ भी साता है साता है, साता पूछने से थोड़ी होती, वास्तव में सेवा सिखाएं। और कायु सर्ग सिखाइए कि काय का उत्सर्ग, अपन होते नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लो काय उत्सर्ग। नहीं, काय से ममत तो छोड़ना, काय से ऐसे छोड़ देना जैसे तुम शरीर में नहीं हो, तुम दूर होकर खड़े होकर देखो। आपको कि बहुत टाइम लग जाएगा, अरे तू एक बार ही पढ़ो ना नमोकार मंत्र, लेकिन एक बार देखो कि मैं बुनी बनकर मेरी आत्मा ऊर्ध्वगामी हो गई, शरीर यहीं पड़ा है, सोच काय से ममत तो छोड़। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय अभी तो क्या है, पहले दिन उठाया पद्म पुराण का एक पेज, दूसरे दिन उठाया आदिनाथ पुराण का एक पेज, तीसरे दिन श्रेणिक पुराण का, अब पता चले पता ही नहीं चलेगा कहानी क्या थी।